डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के बारे में। तो देखिए गाइस, नाम से आपको समझ में आना चाहिए ये यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन है, शांति बनाए रखने का मिशन है कि पूरे दुनिया भर में शांति रहे, राइट। इस मिशन के तहत जो यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो वॉलंटरी बेसिस पर अपनी खुद की इच्छा के ऊपर अपने सोल्जर्स को इस मिशन के लिए भेजती हैं। जैसे कि इंडिया की तरफ से हमारे सोल्जर्स जाते हैं, राइट, इस मिशन के लिए, इंटरनेशनल मिशन के लिए, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए। और ये सोल्जर्स करते क्या है, तो देखो कहीं पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर ह्यूमंस को कहीं पर नुकसान हो रहा है, सिविलियंस को, बेकसूर मासूम लोगों को अगर कुछ नुकसान हो रहा है, चाहे वो वॉर लाइक सिचुएशन हो, यानी कि कहीं पर वॉर हो रहा है, उस वॉर के दौरान ह्यूमंस की लाइफ को खतरा हो रहा है, सिविलियंस की लाइफ को खतरा हो रहा है, बेसिकली मासूम लोगों की लाइफ को खतरा हो रहा है, तो ये मिशन कंडक्ट होता है। ये सोल्जर्स जाते हैं और वहां पर ह्यूमंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए, ये जो मिशन होते हैं ये सिर्फ वॉर लाइक सिचुएशन या सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव तक सीमित नहीं होते हैं। जैसे कि कहीं पर अगर कोई डिजास्टर हुआ है, कोई अर्थक्वेक आया है, कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन आई है जिसमें ह्यूमन लाइफ को खतरा है या फिर ह्यूमन के सर्वाइवल को खतरा है, तो ये सोल्जर्स जाकर ह्यूमंस को रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं, फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे खाने पीने की व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं, रहने की व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए कैंपिंग वगैरह की व्यवस्था वगैरह करते हैं, है ना। तो ये सिर्फ याद रखना कि सिर्फ सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन परस्पेक्टिव से सीमित नहीं है ये मिशन। इस मिशन के तहत रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाता है बेकसूर मासूम लोगों को जो फंसे हुए होते हैं किसी मतलब जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया तो उसमें अगर लोग फंसे हुए हैं तो उनकी मदद करने के पर्पज के लिए भी ये मिशन जाता है। क्लियर है यहां तक बात है। तो ये एक ओवरव्यू देखा अपन ने, इसके बारे में और डिटेल में थोड़े से फैक्ट्स भी देखेंगे। और पीस कीपिंग एग्जैक्टली है क्या और इसके क्या महत्व है, इसकी अगर अपन चर्चा करें तो ये जॉइंट एफर्ट हम लोग को देखने को मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस का और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट का। और हर एक पीस कीपिंग मिशन, यानी कि कहीं पर भी मिशन कंडक्ट करना है तो उसका अप्रूवल जो है या फिर उसका ऑथराइजेशन जो है वो दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तो जब तक यूएनएससी फाइनलाइज नहीं करती है, ऑर्डर पास नहीं करती है कि कहीं पर मिशन जो है वो कंडक्ट करना है, तब तक ये मिशन नहीं होगा। तो मिशन कहां पर होगा, किस प्रकार से होगा, उसके स्टैंडर्ड्स किस तरीके के होंगे, ये पूरी चीज डिसाइड करने वाली जो बॉडी है वो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और जो फाइनेंशियल रिसोर्स जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के होते हैं गाइस, तो वो यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स की ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देखने को मिलता है। यानी कि जो ये फंडिंग वगैरह जो आती है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन को चलाने के लिए, तो ये मेंबर स्टेट्स ही फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। और यूनाइटेड नेशन चार्टर के अकॉर्डिंग हर एक मेंबर स्टेट जो है वो लीगली ऑब्लिगेटेड है कि उसको अपना शेयर पीस कीपिंग का पे करना है, यानी कि मैंडेटरी है यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के अंदर अपना शेयर प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। तो ये चीज भी है, आपको बताना चाहिए कि हर एक मेंबर स्टेट को अपना शेयर देना होता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन पीस कीपर की अगर अपन चर्चा करें तो इनको ब्लू बेरेट्स या फिर ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्लू कलर के हेलमेट और ब्लू बेरेट्स जो है वो ऐसे पहनते हैं, तो इसलिए इनको इस नाम से जाना जाता है, राइट। इसके अलावा सोल्जर्स इसमें मौजूद होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सिविलियन पर्सनल भी यहां पर होते हैं, और जो सिविलियन स्टाफ जो होता है ना पीस ऑपरेशंस के अंदर, वो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं या फिर जिनको यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के द्वारा रिक्रूट किया है और डिप्लॉय किया है, तो वही हम लोग को यहां पर सिविलियन स्टाफ के तौर पर देखने को मिलेंगे। और पीस कीपिंग जो फोर्सेज होती हैं वो मेंबर स्टेट्स वॉलंटरी बेसिस पर अपनी खुद की इच्छा के आधार पर प्रोवाइड कराती हैं, यानी कि देखो जो फंडिंग है, फाइनेंस जो है, उसका एक शेयर निर्धारित है, बट सोल्जर्स कौन सी कंट्री कितने देगी वो पूरा कंट्री के ऊपर ही डिपेंड करता है। कंट्री अपने हिसाब से इस मिशन के लिए सोल्जर जो है वो भेज सकती है, अपने हिसाब से वो पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो मेंबर स्टेट का है, और ये वॉलंटरी बेसिस पर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि सोल्जर्स को भेजना ही है, जितना चाहे एक कंट्री अपने उतने सोल्जर्स इस इंटरनेशनल मिशन के लिए भेज सकती है। और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो है वो तीन बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है, चलता है, पार्टीज के कंसेंट के ऊपर, जो पक्षकार जो है उनकी सहमति के ऊपर, निष्पक्षता के ऊपर, इम्पार्शियलिटी के ऊपर, और फोर्सेस का उपयोग जब तक नहीं करना है जब तक स्थिति जो है वो मतलब खराब ना हो जाए। यानी कि आप स्टार्टिंग में फोर्सेस का उपयोग नहीं करोगे, आप मेनली जो फोर्सेस का उपयोग करोगे वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस पर्पस के लिए करोगे, यानी कि आप अटैक नहीं करोगे, आपको सेल्फ डिफेंस करना है, तो इस पर इनका मेन फोकस। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि ये जो बॉडी है, ये जो मासूम जो लोग होते हैं, बेकसूर जो लोग होते हैं, सिविलियंस जो लोग होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए देखने को मिलती है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए देखने को मिलती है, राइट। और इसके अलावा भी अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसमें भी उनको हेल्प रिलीफ जो है वो प्रोवाइड कराती है फोर्सेस, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में बस आपको एक जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के बारे में।
तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी हो ही गई है। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर क्या है तो आप जानते हैं, और ये अभी टॉपिक न्यूज में क्यों आया, तो बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपर और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC के जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स हैं, उनकी पेट्रोलिंग इंक्रीज हो गई है। पेट्रोलिंग का मतलब आप समझते होंगे कि ये जो होता है ना कि ये एक किसी जगह पर जाकर जो है वो चेक करते हैं, राइट। जैसे कि आप कल को IPS ऑफिसर बनेंगे तो आप भी दौरे पर जाएंगे, है ना, चेक करने के लिए जाएंगे, अलग अलग जगह पर पेट्रोलिंग करेंगे, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो अभी रिसेंटली जो है वो एक रेड हम लोग को देखने को मिली है कि एक रेड हुई है एक क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट हम लोग को इटूरी प्रोविंस देखने को मिलती है। तो वहां पर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन यानी कि कुछ लोगों को वहां से भगाया गया, हटाया गया। तो पूरा मुद्दा जो है वो क्या है, तो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन अभी हम लोग को DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हमें देखने को मिल रहा है। फ्रेंच एक्रोनिम इसका जो है वो है MONUSCO। और रिसेंटली जो मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, कोडिको मिलिटिया, कोऑपरेटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्गो, कोडिको मिलिटिया, और यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स की बात करें और DRC के जो सोल्जर्स की बात करें, तो इन दोनों के बीच में, यानी कि एक तरफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स और DRC सोल्जर, और दूसरी तरफ हम लोग को कोडिको देखने को मिल रहा है, यानी कि एक मिलिटिया ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। इनके बीच में जो है वो क्या हुआ, इनके बीच में फायर एक्सचेंज हुआ, यानी कि फायरिंग हुई, आपस में एक दूसरे के बीच में गोलाबारी हुई, और दोनों संगठनों के बीच ये झड़प जो है इटूरी प्रांत के उजी नामक इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान हुई। तो ये इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इटूरी में विस्थापित लोगों के रहने की जगहों पर कोडिको द्वारा किए जाने वाले हमले की कड़ी में हाल ही में सावो नामक जगह पर हमला किया गया था, और इटूरी प्रांत में हेमा और लेंडू समुदाय के बीच जातीय तनाव वर्षों से जारी है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। तो एक तो टेंशन युगांडा को लेकर, तो आप जानते हैं जिसके तहत हम लोग को देखने को मिला था कि ये पीस कीपर्स ऑलरेडी तैनात थे। फिर ये एक इंटरनल इश्यूज हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको ऑब्वियसली बात है कि जिसकी फ्यूलिंग, जिसकी आप कह सकते हैं कि जिसको इग्नाइट किया, जिसको जोर दिया आउटर फोर्स नहीं, ऑब्वियसली युगांडा ने और एलाइज ने DRC के अंदर। तो DRC के अंदर ये हम लोग को एक कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, हेमा और लेंडू कम्युनिटी है, राइट, इटूरी प्रोविंस के बीच में। इनके बीच में टेंशन जो है वो बड़ी, और इस टेंशन को रिजोल्व करने के लिए जब पीस कीपर सामने आए और DRC की फोर्सेज जब सामने आई, तब उस समय एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कोडिको ने जो है वो अटैक करना शुरू किया, और ये मामला हम लोग को देखने को मिला, राइट। तो न्यूज में यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स जो है वो क्यों आए थे, ये चीज आपको क्लियर हो गई, और आपको यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन मिशन जो है वो कैसे फंड होते हैं, उसका महत्व क्या है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन का, और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के प्रिंसिपल्स क्या है, ये सब चीजें आपको क्लियर है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनाइट अवेयर, तो यूनाइट अवेयर के बारे में भी ध्यान में रखना है, ये क्या है, ये एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म है जिसे इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। किस पर्पस के लिए, कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को जो है वो इंफॉर्मेशन मिल सके टेरेन रिलेटेड, मतलब कि कौन सी जगह पर वो जा रहे हैं, उस जगह की क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, राइट, और वहां पर क्या क्या चीजें ऐसी हैं, तो ऑलरेडी उनको जो है वो जानकारी मिल सके उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के पर्पस के लिए ये मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म इंडिया ने डेवलप किया है। और इसे डेवलप किया गया है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट की पार्टनरशिप के साथ, और इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने $1.64 million जो है वो खर्चे हैं। तो यूनाइट अवेयर क्या है, तो ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई।